नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम आज रोज़ की तरह फिर से आप लोगों की सेवा में लेकर के हाजिर हैं कि हम कुछ ऐसे किचन के टिप्स जिनसे हम करके अपने काम को आसान कर सकते हैं और हम अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले हमें ये सारे काम बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए पहली टिप्स शेयर करते हैं। तो जैसे इस तरह की हमारी बोतलें होती हैं, इनके अंदर साफ़ करना हमको बहुत ही ट्रिपिकल लगता है। तो इसको चलिए हम किस तरह से साफ़ करेंगे कि हमारी बोतल अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पानी अगर बराबर रखते रहो फिर बाद में गंदी हो जाती है और इसमें से स्मेल भी आने लगती है। तो क्या करेंगे, कोलगेट सभी के घर में होता है, कोलगेट ले लेंगे और थोड़ा सा कोलगेट इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद में इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि बोतलें बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, फिर वो बराबर पानी रहने के कारण इसमें स्मेल ज़रूर आने लगती है। तो इसके लिए ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो इस तरह से देखिए, इसमें हम डाल दिए हैं। अब चलिए इसको आगे हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसको आप पानी को गर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर नॉर्मल पानी डालेंगे तो उसको जो है वो सही से नहीं काम करता है। और ऐसे हम अगर थोड़ा गुनगुना पानी ले लेंगे उससे हमारी बोतलें बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगी और हमें बार बार का झंझट नहीं रहेगा। इसको आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इस तरह से बोतल को साफ़ कर लें। वैसे तो डेली ही साफ़ की जाती है, लेकिन इस तरह से ज़रूर ऐसे पानी डालने के बाद में इस तरह से इसको हम हिला देंगे। इससे क्या होगा, जितनी सारी गंदगी होगी वो सारी गंदगी हमारी बाहर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी और हमारी बोतल भी क्लीन हो जाएगी। और जो ये पानी बचेगा उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम बहुत यूज में लाने वाले हैं। आगे इसके हम क्या करने वाले हैं आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। और जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर अब इनको हम साफ़ कर लेते हैं। तो बोतल को ऊपर का हिस्सा जो होता है वो भी थोड़ा गंदा हो जाता है, तो क्या करेंगे, जो मांजने वाला जूना होता है उसको लेंगे और जो हमने पानी निकाला है उसी से, क्योंकि कोलगेट से जो क्लीनिंग का काम होता है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है और स्टील के बर्तन तो बिल्कुल ही चमक जाते हैं। मैंने कई बार ये ट्राई किया है और आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। इस तरह से आप बोतल को धुल के अलग कर लीजिए, बाकी जो बचा हुआ पानी है उससे आप सिंक को साफ़ कर सकते हैं और जो भी आपके प्लेट या कप जो भी हो उसको आप इस तरह से साफ़ कर लें। तो सोने से पहले ये सारे काम हम लेडीजों को अवश्य करने चाहिए, क्योंकि सबसे मेन हमारा किचन ही होता है। अगर किचन गंदा रहेगा तो हमारा कोई काम करने का मन नहीं करेगा और बीमारियां भी फैलती हैं। तो इस तरह से देखिए, शाम के समय जब रात में सोने चलें उससे पहले ये सारे काम ज़रूर कर लेने चाहिए। तो जो ये पानी है गुनगुना भी है और इसको हम चारों तरफ फैला देंगे, फैलाने के बाद में बर्तन धुलने के बाद में इसको हम कर लेंगे। तो क्या होता है, जैसे हमारी सेल्फ पे चींटियाँ आ जाती हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, चींटी आ जाती है, कोई चीज़ खाने के लिए रख दो वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है। चींटी चढ़ गई तो फिर बहुत ही गंदा हो जाता है खाना भी और हमारा नुकसान भी होता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे, फिटकरी जो होती है, जो हम फिटकरी यूज करते हैं वो फिटकरी ले लेंगे और थोड़ा सा टुकड़ा इसको तोड़ करके इस तरह से हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर अगर चाहें तो पानी में डाल करके आप पोछा भी लगा सकते हैं। पोछा लगाने से भी चींटियां घर में जो फर्श पे रहती है वो भी नहीं रहेंगी और सेल्फ पे तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको इस तरह से पाउडर बनाने के बाद में इस पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में इसको हम अपने सेल्फ को इसी से पोछेंगे। इस पानी को पूरे सेल्फ पे हमको फैला देना है। इस तरह से आप पहले इस कपड़े से पूरे पे फैला दीजिए और फैलाने के बाद में क्या होता है, जब रात में हम किचन को क्लीन कर देते हैं तो सुबह में हमें मॉर्निंग में हमारा समय भी बचता है, जल्दी से सारा काम भी फिनिश हो जाता है और हमारे घर में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं आते। गंदा रहता है तो कहीं ना कहीं से काकरोच या छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से आप सफाई पहले कर लें, उसके बाद में कुछ और काम करें। तो देखिए, पूरे पे मैंने फैला दिया। अब इस कपड़े को क्या करेंगे, पहले कपड़े को अच्छे से धुल लेंगे साफ़ पानी से, उसके बाद में इसको हम सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद में इसी से चूल्हे को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि गैस भी बहुत ज़रूरी होती है साफ़ सुथरा रखने की। तो हमारी ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को अगर पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इस तरह से मेरा डेली का यही काम है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किचन को हम किस तरह से 2 मिनट में क्लीन कर सकते हैं और हमारे सेल्फ पे चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी अगर इस तरह से आप साफ़ कर लेंगे। तो चलिए आगे हम सबसे मेन टिप्स आगे है, उसको एंड तक ज़रूर देखें आप लोग। बहुत ही ध्यान से देखें कि चाय पत्ती को हम सिंक में क्यों डालें। सोने से पहले चाय पत्ती सिंक में हमें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या करेंगे, सिंक हमारी क्या होती है, गंदी हो जाती है अगर, तो हमारी पाइप चोक होने का डर रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास ले लेंगे और गिलास में एक गिलास लेने के बाद में उसको रात में, ये काम सोने से पहले ही करना है। तो इसमें हम 1.5 चम्मच चीनी चाय पत्ती डाल देंगे, चाय पत्ती डालने के बाद में इसमें हम खौलता हुआ पानी डालेंगे, जो एकदम खौलता हुआ होना चाहिए। और ध्यान से गिलास को जब पकड़े तो किसी चीज़ से पकड़े, नहीं तो हाथ जलने का भी डर रहेगा। तो इस तरह से इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद में
एक चम्मच से इसको पूरा हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसको हम आगे क्या करेंगे आप लोग देखते रहिए। तो चम्मच देखिए, ये चम्मच ले लिए हैं हम, लकड़ी का चम्मच है, इससे आप इसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में एक छन्नी ले लीजिए और छन्नी से हम इस सिंक में इस पानी को छान देते हैं। और छानने से होगा क्या आप लोग सोच रहे होंगे, ये चाय पत्ती से क्या होता है, तो चाय पत्ती में जो है इतने सारे गुण होते हैं कि हमारे इसमें जो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, कभी कभी बारिश में ज़्यादातर ये होता है कि पाइप के रास्ते छोटे छोटे कीड़े हैं, कॉकरोच है, कुछ भी आ जाए, तो इस तरह से जब हम गर्म पानी ये डालेंगे तो इससे हमारे सारे मर जाएंगे और हमको जो है हमारा सिंक साफ़ सुथरा मिलेगा। इसको डालने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पड़े। अब इसको हम चलते हैं क्या करेंगे, इस पर हम एक कटोरी ले लेंगे और कटोरी को ढक के इसको हम ढक देंगे ताकि इसकी भाप निकलने ना पाए और अंदर तक बनी रहे। और ये रात भर इसी तरह कटोरी रखी रहेगी, सुबह में इसको हम हटा करके अपने इसमें सिंक में पानी चला देंगे। इससे हमारा बहुत ही काम आसान होने वाला है कि अगर पाइप चोक हो जाती है तो बहुत ही दिक्कत होती है, फिर बाहर से बुलाओ मिस्त्री को, उसको से साफ़ करवाओ। तो चलिए अगली टिप्स हमारी ये मेन टिप्स है कि जैसे कि हम दूध गर्म करते हैं, कभी कभी बर्तन में क्या होता है अगर डायरेक्ट दूध डाल देते हैं तो उससे हमारे दूध में जो है नीचे जल जाता है और हमारा बर्तन भी हमको धुलने में बहुत दिक्कत होती है, वो चिपक जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी डाल करके उसके बाद में हम दूध को गर्म करेंगे तो हमारा नीचे तले में दूध नहीं लगेगा और इससे हमारा समय भी बचने वाला है। इस पर हम ढक्कन लगा के पकाएंगे तो हमारा समय बचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।